दोस्तों स्वागत है आप लोग को फिर से और एक बार मेरे चैनल में। ये देख सकते हो मेरे हाथ में आईफोन 13 और ये एप्पल का चार्जर मैंने मंगवाया है, ये आज ही आया है। तो जब आईफोन लिया था तो आप लोगों को दिखाया मैंने अनबॉक्सिंग, लेकिन ओपन बॉक्स डिलीवरी था तो फ्लिपकार्ट ई कार्ट एग्जीक्यूटिव के सामने ही मैंने ओपन कर दिया था, क्योंकि अगर आईफोन नहीं भेजता तो प्रॉब्लम हो जाता, इसलिए मैंने वहाँ पर पूरा देख के फिर ओटीपी शेयर किया। तो आज जो मैंने ये रिसीव किया एप्पल का ओरिजिनल चार्जर फ्लिपकार्ट से ही मंगवाया मैंने, देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ भी ओपन नहीं किया, पूरा सील पैक है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो बिल्कुल भी मैंने ओपन नहीं किया ये। तो ये जो है दोस्तों अभी तक मैंने ओपन नहीं किया, आप लोगों को दिखाएंगे पूरा सामने यहाँ पे अनबॉक्सिंग करेंगे आप लोगों के। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब के बटन पे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कैसे लग रहा है। तो दोस्तों ये देख सकते हो अभी मैंने ये बिल्कुल भी अनबॉक्स नहीं किया, पूरा सील पैक है अभी भी, और ये देख सकते हो। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं अभी इसको। इतना छोटा मोटा ये अडैप्टर है सिर्फ, यूएसबी केबल ऑलरेडी एप्पल आईफोन के साथ ही आया था। तो ये देख सकते हो इसका दाम ही इतना महंगा है। तो इसको ओपन कर लेते हैं अभी। ये देख सकते हो काफ़ी भारी है दोस्तों, इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है नॉर्मल चार्जर्स के मुकाबले में, और ऐसा फील हो रहा है कि ओरिजिनल ही है, कुछ डुप्लीकेट नहीं है इसमें। एप्पल का लोगो वगैरह भी है यहाँ पे, सीरियल नंबर है, मैं चेक करूँगा अभी एप्पल का जो वारंटी चेक वेबसाइट है वहाँ पर जाके, और इसके अंदर यहाँ पर शायद इंस्ट्रक्शन भी है कि वारंटी का एक साल का वारंटी रहता है इसमें, बहुत सारा यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन भी है अंदर। और दोस्तों ये कवर मैंने मंगवाया था फ्लिपकार्ट से, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये कवर, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप लोगों को भी ओरिजिनल एप्पल का चार्जर मंगवाना है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा फ्लिपकार्ट का, वहाँ से आप लोग मंगवा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मज़ेदार ऐसे ही वीडियो के लिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं आपके साथ अगले और एक मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।